Hi guys, I'm Priyanka and welcome to my new vlog. So guys, आज का vlog है travel vlog और मैं कहाँ जा रही हूँ, कितने बजे पहुँचूँगी वो सब आपको बाद में पता चलेगा. So come on, let's go. So, अभी तक तो आप लोगों ने मेरे रोड ट्रिप के ट्रैवल व्लॉग देखे हैं, बट ये वाला जो व्लॉग है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है. देखने में तो लग ही रहा है क्योंकि अभी भी मैं रोड पर ही हूँ, बट बहुत जल्द पहुँचने वाली हूँ मुंबई एयरपोर्ट. गाइज, अब मैं पहुंच चुकी हूं मुंबई एयरपोर्ट और मैंने सिक्योरिटी चेक करा लिया है. वैसे हम यूट्यूबर्स को ना सिक्योरिटी चेक कराने में लगता है बहुत सारा टाइम, क्योंकि ये देखिए हमारे पास होते हैं बैग भर के इक्विपमेंट्स एंड बैटरीज, जो कि हमको पूरा बैग खाली करना पड़ता है और वापस पैक करना पड़ता है. भाई ये सारा काम तो हो गया ना, अब मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो चलिए लाउंज चलते हैं एंड लेट्स ईट समथिंग. सो अब मैं आ गई हूँ ट्रैवल क्लब लाउंज, और इस लाउंज में आप आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं जब तक आपकी फ़्लाइट नहीं आती है. उसके साथ ही साथ यहाँ का जो बुफे है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए मैं आपको इनका बुफे दिखाती हूँ. सो गाइस, दिस इज़ देयर सैलेड सेक्शन, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सैंडविचेस, डिफरेंट काइंड ऑफ सैलेड. दिस इज़ किनोआ, दिस इज़ कैबेज सैलेड एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट बीट रूट सैलेड. उसके साथ में है यहाँ पर ग्रीन सैलेड, और देखते हैं क्या क्या है. सो ओके, यू हैव ग्रीन ऑलिव्स, जालापेनोज एंड दिस वन इज वो, ओके दिस वन इज़ प्लेन योगर्ट. आई थिंक इसके ऊपर डिल डाला हुआ है इन्होंने, एंड प्लस यू ऑल्सो हैव दिस कर्ड राइस. चलिए अब आगे दिखाती हूँ मैं आपको और क्या क्या है. सो दिस इज़ देयर मेन कोर्स सेक्शन, और यहाँ पे आपको वेजिटेरियन में मिल जाता है पनीर जलफ्रेजी, आलू बैंगन, दाल तड़का. वाओ, ये बहुत अच्छी लग रही है, वाओ. उसके साथ ही में है प्लेन राइस, एंड नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए है बटर चिकन एंड मछली मेथी मटर. उसके साथ ही में है यहाँ पे पिकल, और इन सब के साथ आप यहाँ पे खा सकते हैं ये तवा चपाती. इंटरेस्टिंग ना. एंड यहाँ पे अवेलेबल है सूप, सो देखते हैं आज कौन सा सूप है. सो दे हैव लेमन कोरिएंडर सूप, ओके ऑलराइट. सो गाइस, दिस इज़ माय फेवरेट सेक्शन, इट्स डिज़र्ट सेक्शन, और यहाँ पे आपके पास है चॉकलेट पेस्ट्री, प्लस यू हैव टॉफी सॉस, ऑरेंज ग्लेज एंड मिक्स बेरी सॉस. दीज आर फॉर आइसक्रीम्स. एंड यहाँ पे है केसर फिरनी, ओ माय गॉड. उसके साथ में ना यहाँ पे इन्होंने ना मुखवास तक रखे हुए हैं, ये देख रहे हैं कितने इंटरेस्टिंग से है. सो ये आ गया ढेर सारा खाना, और ये देखो ये है मेरी सैलेड प्लेट, जो बहुत ही कलरफुल सी और इंटरेस्टिंग सी है, और साथ ही में है ये मेरी मेन कोर्स प्लेट. एंड यहाँ पे ना लेज मिल रहे थे, सो मैंने वो भी ले लिया. अब सैलेड से स्टार्ट करते हो. ये बीटरूट वाला सैलेड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. इंटरेस्टिंग सा है, जब आप बीटरूट को बॉईल कर देते हो ना तो काफ़ी स्वीट से हो जाते हैं, तो ये सैलेड काफ़ी स्वीट सा है. अब चलो थोड़ा पनीर भी ट्राई कर लें, ओके राइस भी लेते हो थोड़ा सा. ये पनीर तो बहुत ही बढ़िया है और काफ़ी सॉफ्ट है. इसके अंदर इन्होंने जो कसूरी मेथी डाली है ना वो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर ऐड कर रही है. वैसे मैंने सोचा नहीं था एयरपोर्ट के लाउंज में इतना बढ़िया खाना खाने को मिलेगा. दिस बुफे सीरियसली गुड. सो गाइज, लाउंज से सीधे मैं आ गई हूँ फ्लाइट के अंदर, एंड टुडे आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम स्पाइस जेट, और इन्होंने ना बहुत जल्दी बोर्डिंग कर दी है, मुझे लाउंज से यहाँ तक भाग के आना पड़ा है. सो आई गोट शूट इन बिटवीन, और अब मेरी फ़्लाइट 2 घंटे की है. तो भाई मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई मूवी देख लूँ. इसके लिए मैंने वेयर करे हैं अपने Realme के ब्लूटूथ वाले हेडफोन, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है. एंड मैं जब कभी भी एडिटिंग भी करती हूँ ना तो आई यूज़ दीज हेडफोन, क्योंकि भाई इनका बैटरी लाइफ ना आप सोच सकते हो कितना चलता है, आराम से ना 10-12 घंटे चल जाता है. एंड वैसे इसकी जो बेस्ट चीज़ है ना वो है इसका मैग्नेटिक क्लिप ऑन. सो द मोमेंट आप इसको अलग करते हो ये ब्लूटूथ ऑन हो जाता है, और जैसे ही इसको वापस क्लिप बैक करते हो ब्लूटूथ बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ना इसकी बैटरी लाइफ बहुत ही बढ़िया है.
Now it's time to take off. So guys, I reached Delhi और Delhi में मेरा एक event था जो कि cancel हो गया है. So अब Delhi में मैं क्या करूँ? पहले मैं सोच रही थी ना कि यहाँ पे रुके street food videos बना लूँ, but I don't think so. This is the right time to do that. So Delhi से चलते हैं जयपुर. वैसे जिन लोगों को नहीं पता है ना, मुंबई में भी मेरा घर है एंड जयपुर में भी मेरा घर है. तो अभी बज चुके हैं रात के 11. वैसे जयपुर की कोई फ्लाइट नहीं होगी, तो आई थिंक आई शुड डू वन एडवेंचर. रोड ट्रिप पे चले, व्हाट डू यू से? मुझे एडवेंचर करना बहुत पसंद है. चलिए अब मैं करती हूँ अपनी टैक्सी बुक और सीधे चलते हैं जयपुर. सो रोड ट्रिप स्टार्ट हो गई है एंड आई एम जस्ट क्रॉसिंग बाय गुड़गांव एंड जयपुर पहुंचने में मुझे लगेंगे लगभग 4 घंटे. सो 12 बज चुके हैं एंड आई थिंक आई विल रीच देयर बाय 4 o'clock. और बीच में देखते हैं भाई कुछ खाते पीते हैं या चाय वाय पीते हैं कि नहीं. भाई रोड ट्रिप चल रही है तो चाय पीना तो बनता है. आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा चाय मेरी फेवरेट है और जिसके लिए मैं आ गई हूँ ओल्ड राव ढाबा. वैसे जब भी मैं दिल्ली जयपुर ट्रैवल करती हूँ मैं इस ढाबे में ज़रूर रुकती हूँ और यहाँ का खाना और चाय बहुत ही लजीज है. वैसे क्या बोलते हो आप चाहते हो कि मैं ओल्ड राव ढाबे का एक डेडिकेटेड व्लॉग बनाऊँ? सो अगर आप चाहते हो ना तो मुझे नीचे कमेंट में लिखना. सो मैं कोशिश करूँगी जब मैं अगली बार दिल्ली जयपुर करूँ तो मैं यहाँ का व्लॉग बनाऊँ. तो अभी चलें चाय पीने. चलो भाई रात होते होते मुझे फिर से भूख लगाई और ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या ऑर्डर करा है. यहाँ पे मैंने मंगाई है गर्मा गर्म चाय और उसके साथ में ये है मेरा मिक्स पराठा. तो चलो भाई बटर, अरे बाप रे, जस्ट लुक एट द क्वालिटी ऑफ बटर एंड क्वांटिटी ऑफ बटर. सीरियसली इतना बटर शायद मुझे खाना नहीं चाहिए. तो कोई बात नहीं, इसको देखो तो और भूख लगने लगी. गजब का है ये तंदूरी पराठा. जब आप भी ना दिल्ली जयपुर करो तो यहाँ पे तंदूरी पराठा खाना ज़रूर आना. सो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही. फाइनली मैं जयपुर पहुंच गई हूँ सेफ एंड साउंड. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड यू कैन आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल. सो अब मैं मिलूंगी आपको अगले फ्राइडे ठीक सुबह 10 बजे. टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग.